आज तेरा धर्म का भाई तेरे दरवाजे पर भात लेकर के आया है। एक तरफ तेरे बेटे की शादी है और दूसरी तरफ तेरा भाई तेरे यहाँ भात लेकर के जो खड़ा हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा महसूस ऐसा प्रतीत होता है कि ना तो आपको अपने बेटे की शादी की खुशी है और ना इस बात की खुशी है कि आपके दरवाजे पर आपका भाई भात लेकर के आया है। आखिरकार कारण क्या है भाई? हाँ, आप सही सोच रहे हो। ना तो मेरे को इस बात की खुशी है कि आज मेरा भाई मेरे पटड़े पे भात लेकर के आया है। अच्छा। और ना ही इस बात की खुशी कि आज मेरे बेटे अभिमन्यु की शादी है। अरे इस जमाने में ऐसी कौन अभागन माँ होगी जिसका बेटा शादी करने के लिए जा रहा हो और भाई दरवाजे पर भात लेकर के खड़ा हो, उसे ना तो शादी की खुशी हो ना फिर भात लेने की खुशी हो। आखिरकार इसका कारण क्या है द्रोपदी? लेकिन मैं तेरे से ज्यादा बातें करना नहीं चाहती। अच्छा। मैं तेरे से इतना कहना चाहती हूँ कि जिस इज्जत से तू आया है, हाँ, उस इज्जत से वापसी चला जा तो तेरे लिए अच्छा होगा। क्या समय खिलाए खेल मनुष्य रहता है और नर से बड़ा बलवान समय होता है द्रोपदी। ये आज के समय को याद करना, अगर मैं तेरे दरवाजे पर बिना भात दिए वापस लौट गया तो जमाने में तेरी हंसी हो जाएगी। तने जाना पड़ेगा और मेरी बात सुन। अरे पटड़े ऊपर पैर धरण ने तूरे मतन दिलाल उठाइए और तेरा भात रिश्ता कैसा भाई बहन का हो से और दर्शन हो जा, दर्शन हो जा दोनों के वो समय चैन का हो से। अरे के भाई का फर्ज बहन को दुख देने का हो से और ना भाई का फर्ज दुखों में अलग रहने का हो से। ना भाई का फर्ज दुखों में ठाकुर सा एहसान तने तो चढ़ा चढ़ाया तारा और कौन सा तने चढ़ा राख्या वो भेद खोल दे सारा। अरे मारा था शिशुपाल हाथ में चक्कर लगा तुम्हारा। अरे जान गया मैं जान गया मैं जान गया तने पट्टी बांधी मेरी रुकी खून की धारा। जान गया तने पट्टी जो मांगेगी दे दूंगा तू। अच्छा। असल रूप में दिए।
पहले कह स्वरूप किया मेरे खुले वाल देख ले जाता को न टेम तू पूरे हुए समान देख ले अरे जान गई कंगाल तू जग में क्या कंगाल देख ले अरे घाटे में तू घाटे में भाई घाटे में रह जागी बात की रखकर तीन वचन भर दे छलिया ना मांगू हीरे मोती अरे एक वचन पहले दे देना छोटू बहन फिरोती अरे भर दोनों ने वचन लिए फिर खड़ी भद में रोती अरे तेरा मेरा दोष नहीं है समय सराहनी होती तेरा मेरा दोष नहीं है मुझे पता था तो तीन वचनों में कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ करेगी अब दे बात बात दूंगा लेकिन द्रौपदी एक बार गौर करके देख इस 18 अक्षौणी सेना में तेरे पांचों पति यानी कि पांचों पांडव और एक तेरा छट्टा ये धर्म का भाई तेरी जरूरत है ज्यादा अच्छा हम नहीं खावेगी सबसे हाँ, तो नहीं खाऊंगी अब तो भीम भी निकल लिया दिखे कहीं खप्पर का नंबर आते भीम भी निकल गया भीम खप्पर लेने गया सेवा पे गया कह के बता क्या चाहिए तुझे मैं बताऊंगा अठा रक्षोणी तल का पियूं मेरे भैया खून भी लइए अरे पांचों पांडव अरे पांचों पांडव और कृष्ण द्रौपदी खइए पांचों पांडव और कृष्ण पे द्रौपदी खइए तेरी फिरौती का पता नहीं तने मारी चोटक डाली अरे तुर तेरी दी चली आई ना फ्रोती लई निराली अरे तुम छेओं के बिना कन्हैया मेरा खप्पर रह जा खाली इसे कलयुग में भरवा दूंगा तू रे सबर रख मन चली कलयुग में भरवा दूंगा